तनुश्री नाना विवाद हर दिन एक नया मोड़ लेते जा रहा है। हाल ही में सिंटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके बाद तनुश्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आपको बताते हैं कि सिंटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तनुश्री ने क्या कहा है। तनुश्री नाना विवाद आए दिन नया मोड़ लेते जा रहा है। हाल ही में इस मामले में सिंटा की एंट्री हुई। सिंटा ने मीटू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई कमेटी बनाने का फैसला किया। हालांकि तनुश्री इस फैसले से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही हैं। इस मामले में एक्ट्रेस ने कहा, इस मामले में सिंटा ने जो स्टैंड लिया है मैं उससे निराश हूं। सिंटा ने 10 साल पहले मेरी सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत पर सही से एक्शन ना लेने पर पब्लिक में माफी मांगी थी। इस बार मुझे सिंटा की तरफ से कहा गया कि वे नाना पाटेकर के निष्कासन के साथ गणेश आचार्य, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर राकेश सारंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। मैंने सिंटा से कहा था कि क्या वे मुझे कानूनी मदद दे सकते हैं, क्योंकि मुझे नाना की तरफ से मानहानि का नोटिस देकर धमकाया जा रहा है। मगर सिंटा ने ये कहकर मना कर दिया कि इस मामलों में कानूनी मदद देना उनकी पॉलिसी नहीं है। मुझे लगता है सिंटा का मीटू को समर्थन सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए है, वे बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तनुश्री ने सवाल उठाते हुए कहा, जब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने मीटू के घेरे में आए लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यहाँ तक कि सरकार के मंत्री ने तक इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में सिंटा की कार्यवाही हास्यास्पद है। उन्होंने बता दिया कि ऐसे संगठन भरोसे के लायक नहीं है, ये कमजोर संस्था है। सिंटा ने फिर से मुझे फेल कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।